हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लहसुन के छोंक वाले चावल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने कुकर में तेल गरम कर लिया है। ये मैंने एक तेज पत्ता, 3 लौंग, 1 चक्रफूल, 1 टीस्पून जीरा, 3 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी ली है। ये इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी सी देर फ्राई कर लेंगे। ये मैंने एक प्याज लिया है और इसे लंबे पीसेस में काट लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे। ये 10 लहसुन की कलियां ली हैं, इसे मैंने पीस लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे और इन्हें थोड़ी सी देर हम भून लेंगे। इसे हम लाइट ब्राउन होने तक भुनेंगे। ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसमें नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 2.5 कटोरी चावल लिए हैं। इसे मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। ये इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये 2.5 कटोरी चावल में उसी कटोरी का माप लिया है, 3.5 कटोरी पानी ले लिया है। ये इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े पुदीने के पत्ते हैं और थोड़ा हरा धनिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे और ये एक नींबू का रस है, ये भी इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। 2 विसल आने पर गैस फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए, लहसुन के छोंक वाले चावल तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।